माइंड कहीं पे भी पहुंचा सकता है आपको, भले किल ना मिले, बट वो मेरे ख्याल से अभी भी वो लोग टॉप फाइव के कंटेंडर्स मेरे को इस वाले मैच में लग रहा है। बट ब्रॉलर्स आर गोइंग स्ट्रॉन्ग इन दिस मैच। अब मेरे को देखना है कि 8-bit और उनकी फाइट कैसे होती है। ओके, रौनक यहाँ पे मुश्किल में आ सकते हैं। शार्को ने यहाँ पे रौनक को पिक ऑफ कर लिया, जिस बंदे ने हील किया अब वही यहाँ पर शिकार हो गया। मॉर्टल पे काफी ज्यादा प्रेशर होगा, शार्को उनके सामने वाले एम में है, यहाँ पे उनको वो दिख रहे हैं और एक गोली और शायद मार के जीत सकते हैं। यस, मॉर्टल को किल मिल गई। ओके देन, मॉर्टल जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल स्मार्ट। उनको पता था कि किल बटोरना काफी जरूरी है इस वक्त, क्योंकि 8 टीम बची है, 22 प्लेयर, उनका चिकन डन आना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस वक्त। क्या मुश्किल नहीं है कि एक एक करके अगर पॉइंट भरते हैं तो उन सामने बेटर हो सकता है उनके लिए। बट मैंने मॉर्टल को बहुत बार ये भी देखा हुआ है कि सामने वाले अगर बहुत सारे स्क्वाड होते और कोई अकेला बंदा बचा तो दे ऑलवेज डू हील बैटल। सामने 7-8 बंदे बचे हुए, 8-8 टीम बची हुई है, जोन क्लोज इन कर रहा हूँ, हील बैटल कर रहा है, 8 फर्स्ट एड जब तक मारेगा तब तक उनकी रैंक 3rd या 4th आ जाती है। सो दैट इज वट दे कैन डू। बट अभी उसके पास फर्स्ट एड नहीं थी, मैं वही एक बार चेक कर रहा था, बट लेट्स सी। टाइगर्स के प्रिंस पिक ऑफ हो गया, मॉर्टल ने प्रिंस को पिक ऑफ किया, बट मवी ने यहाँ पे मॉर्टल का सफर खत्म कर दिया। मॉर्टल जो सोल टीम में है, सोल का यहाँ पे सफर खत्म होता है, उनको 7वें रैंक से काम चलाना पड़ेगा। ये साबित देता है आप फर्स्ट आए सेकंड आए, ये कंफर्म नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे, कोई ना कोई टीम आएगी, बिकॉज पोटेंशियल वाइज सब सेम है, एक चीज भी कमी नहीं है। बट यहाँ पे दलजीत थोड़ा सा क्लेवर बन रहे हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं। अगर ये इन्होंने नॉकआउट यहाँ पे निकाल दिया, 1v13 जो चलेगा उनके अगेंस्ट थोड़ी देर के अंदर, आई होप कुछ कर पाए। बट मावी में भी काफी प्रेशर है, मावी एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर है अपनी टीम के, उनको भी काफी कुछ डिपेंड करता है उन पे। एग्जैक्टली, बट मेरे को 8-bit और जैसे मैंने पहले बताया था 8-bit और ब्रॉलर्स की फाइट देखनी है। और यहाँ पे गॉडलाइक के 4 प्लेयर बचे हैं, ब्रॉलर्स के भी 4 प्लेयर बचे हैं, टीम INDK के आई थिंक 2 प्लेयर बचे थे, बट देखना है कि ब्रॉलर्स यहाँ से कैसे कैपिटलाइज करती है एंड गॉडल ऑल्सो, उन दोनों टीम के पास 4-4 प्लेयर्स हैं। आई वांट टू सी देम कमिंग बैक, और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ब्रॉलर्स, INDK, इंसीडियस, हाइड्रा ये टीम कॉम्पिटिशन दिखाए, तभी जाकर इन 12 गेमों में जो मजा आएगा खेलने का। जो सामने लेटा हुआ है यहाँ पे टाइगर संयम, यहाँ पे नॉकडाउन हुआ बट फिर से उसके पास कवर फायर आया, मवी ने काफी जल्दी बचा लिया। मवी तभी कहूं मैं, किसी कितना प्यार कैसे करते हैं यहाँ पे संयम मवी से, उनको पता है मवी गालियां देगा उनको, कुछ ना कुछ बोलेगा, ढंग से खेल, ये कर वो कर, बट प्यार भी उनसे बहुत करता है। मैं देखा जैसे उनको गोली मारी, इंस्टेंट पलटे और उनको यहाँ पे टेक डाउन करा। यहाँ पे संयम को एक जीवन दान तो मिल जाएगा, बट दलजीत बिल्कुल सामने है, दलजीत चाहे तो यहाँ पर सफर खत्म कर सकते हैं टाइगर्स क्लैन का। उनको पता है कि सोल काफी ऊपर जा चुके हैं, बट यहाँ पे 8-bit किट है, डाइस स्प्रे, संयम को पिक ऑफ कर लिया, मवी बचे अकेले पेड़ के पीछे, हील करने की कोशिश करेंगे, बट टेड के लिए काफी नुकसान सिचुएशन, एंड ही जस्ट ट्राइंग, बट मीनवाइल सिद्धू टेकिंग डाउन टेड एंड क्लोजिंग दैट किल फॉर हिमसेल्फ। 4 teams, 10 players एंड अब सर्कल के अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कहते हैं। ओके, अब तो यहाँ पे फ्रॉस्ट अपना वही M16A4 यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा मिड रेंज वहाँ पे किल्स ले पाए, बिकॉज ब्रॉलर्स यहाँ पे बहुत सही पोजीशन में इस वाले टाइम पे, दे ऑलरेडी हैव 4 team kills। बट यहाँ पे एक चीज उनको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड उनके पास 4 प्लेयर गॉडल के और है जिनके पास आई थिंक 3 kills है उनके पास, बट दे आर ऑल्सो गोइंग स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम। बस मेरे को ये देखना है कि किसके पास सर्कल बनता है इसके बाद वाला। अभी ने यहाँ पे ब्रॉल Frost को knock down करा with M249 and this can be little irritating for them because कोशिश तो यही होगी। Okay, दलजीत यहाँ पे थोड़ा सा surprise करा है, यहाँ पे Godl अलादीन को उसको knock करके finish भी करा। At the same time यहाँ पे मवी भी spotted है, अभी देख रहा है वहाँ पे with UMP with 4x I think दलजीत। Okay, सिद्धू ने यहाँ पे मवी को pick off कर लिया क्योंकि उनपे aim लगाया हुआ था, but दलजीत ने इतनी देर में अभी को यहाँ पे pick off किया और अपनी किल्स को बढ़ा रहे हैं और टॉप 3 में ले जा चुके हैं यहाँ पे दलजीत अपनी टीम को। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ पर जाकर दलजीत ने गेम के अंदर चेंज किया तो बहुत ही ज्यादा मजा आ सकता है। कोई वो ट्राइंग अलॉट, बट अफसोस उनको काम चलाना पड़ेगा रैंक 3 से। मेरे सामने सिद्धू भी अकेला बचा था, पर यहाँ पे आई थिंक ब्रॉलर्स निकाल गया ये वाला मैच एंड ब्रॉलर्स चैंपियंस आर बैक, सेमीफाइनल के नंबर 1 कंटेंडर्स ने फिर से। और ये देखिए पतले से फ्रॉस्ट आइकॉनिक से मुकेश गहलोत के बेटे से मंगे ले रहे हो, देयर यू कैन सी दैट स्माइल कमिंग अप एंड देख रहे हो नोवा वहां पे फ्रॉस्ट से थोड़े से मजे लेता हुआ, देयर यू कैन सी दैट केमिस्ट्री कमिंग अप, डार्क अपना आराम से चल मार रहे हैं एंड फिर से यहां पे ब्रॉलर्स दे आर बैक इनटू द गेम। उनको आप देख सकते हो जैसे मैंने मैच के पहले बोला था।